सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फुल बॉडी वाइटनिंग पैक कि स्किन को, हाथों को गोरा तो करता है, फुल ऑल ओवर स्किन और बॉडी का क्लीन और साफ गोरा करने का तरीका मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट किया है। स्किन गोरा होना है तो स्किन को पहले हम साफ़ और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई हम साबुन या बॉडी वॉश से नहा लेते हैं, लेकिन स्किन को थोड़ा स्किन केयर पैक्स, बॉडी के पैक्स भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हम बाहर जाए चाहे घर पे रहें, स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत तो डस्ट तो गिर ही जाता है। अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो या घर में रहते हो, टैन डस्ट तो चेहरे के ऊपर या बॉडी के ऊपर इफेक्ट तो रहता है, और बाहर जाने लोगे तो और ज़्यादा ही डस्ट पोल्यूशन की वजह से स्किन ख़राब हो जाती है और बिल्कुल साफ ना रहता है, और स्किन के ऊपर टैनिंग आ जाती है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन, सब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। गर्मी का मौसम से शुरू हो चुका, इस मौसम में ना स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है, पसीना पसीना आ जाती है स्किन के ऊपर, ओवरऑल बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर पसीना की वजह से ना बदबू भी आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी बॉडी को क्लीन कैसे रखना है और कौन सा रेमेडी यूज़ करना चाहिए, बॉडी को साफ़ और क्लीन कैसे करना है, इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैं एक या दो लोग के नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो के लिए। सो आप इस रेमेडी को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं कुछ स्किन केयर टिप्स भी बताऊंगी, आप इस रेमेडी के साथ ही साथ वो स्किन केयर टिप्स भी फॉलो करोगे ना, स्किन को आप हमेशा के लिए साफ और क्लीन रख सकती हो। इनकेस कभी भी आप टैन डस्ट स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर इफेक्ट होने से ना टैनिंग या पिगमेंटेशन कुछ भी प्रॉब्लम है, सो इस पैक को ना आप कंटिन्यू भी कर सकती हो। ये पैक का नुस्खा का खास बात ये है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और हर स्किन टोन भी पीपल भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और कोई भी मैं समय, गर्मी का मौसम या सर्दी का, बारिश का मौसम, कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल उपाय हैं। टैन डस्ट, धूल मिट्टी तो हमेशा रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन टैन डस्ट का इफेक्ट अपना बॉडी के ऊपर जरूर गिरता है, तो उससे छुटकारा पाना है तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो इस नुस्खा को आप फॉलो कीजिए। मैं इसमें जितने भी होम रेमेडीज़ यूज़ कर चुकी हूँ वो सारे इन्ग्रीडियंट्स हर किसी के घर में अवेलेबल हैं, और इस रेमेडी के लिए आप ज़्यादा खर्च करने का जरूरी नहीं है, आप घर पे जितना भी चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ से इस पैक बना रही हूँ। तो आप वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिए, और आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यूज़ या मेकअप के बारे में, आपका रिक्वेस्टेड वीडियो कोई भी हो, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक कम्प्लीटली देखने के बाद वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर रिक्वेस्टेड वीडियो बना देती हूँ, और वो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन कर देती हूँ। इसके लिए आप हमेशा मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उस वीडियो को देखिए और आपके फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर जरूर करें। अभी इस रेमेडी के लिए ना क्लीन बॉल लेना है, क्लीन बॉल में हमें ऐड करना है रोज़ पेटल पाउडर। मैं यहाँ पे रोज़ पेटल पाउडर, मैं बाहर का रोज़ पेटल पाउडर ऐड कर रही हूँ, बाहर का रोज़ पेटल पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसको रोज़ पेटल पाउडर, रोज़ पेटल्स को ना अच्छे से घर में धूप में सुखा के पाउडर बना सकती हो। अगर आपको उतना टाइम नहीं है, मार्केट वाला रोज़ पेटल पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मार्केट वाला रोज़ पेटल पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट वालों से ना घर का रोज़ पेटल पाउडर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आप घर पे पाउडर बनाते थे ना, क्योंकि कुछ भी हो घर का चीज़ से रिजल्ट तो बहुत कमाल दिखता है, तो इसलिए घर का चीज़, टाइम नहीं है तो मैं बाहर का चीज़ इस्तेमाल करके ऐड कर रही हूँ रोज़ पेटल पाउडर। आप घर में बनाना है तो पत्तों को अच्छे से सुखाइए, रोज़ पेटल्स को पाउडर बना के यूज़ कीजिए। इस रोज़ पेटल पाउडर में हमें ऐड करना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अपना स्किन को सॉफ्ट कर देती है, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा और स्किन भी टाइटन और ब्राइटन हो जाएगा, इसलिए ना मैं मुल्तानी मिट्टी ऐड कर चुकी हूँ। अगर आपका स्किन सूखे सूखे है, ड्राई है, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल से स्किन ड्राई, स्किन सॉफ्ट होगा, और आपका स्किन लूज है, बिल्कुल ग्लो नहीं है, चेहरे को अच्छे से गोरा करना चाहती हो, रंग को निकालना चाहती हो, तो मुल्तानी मिट्टी को कंपलसरी आपका स्किन केयर में ऐड करना है। डेली अगर आप मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करोगी ना, 15 दिन के अंदर एक विजिबल डिफरेंस आएगा और आपका स्किन भी टाइट और ब्राइट होगा। टाइट ब्राइट चेहरे के लिए ना मुल्तानी मिट्टी का पैक बहुत अच्छा मदद करता है, इससे स्किन टाइट और गोरा हो जाएगा। अभी सब पाउडर्स को अच्छे से मिक्स करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली ये 2 इंग्रेडिएंट्स ये बस। मुल्तानी मिट्टी तो घर पे अवेलेबल रहता है, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में खरीद सकती हो,
लेकिन मुल्तानी मिट्टी ना अच्छा ब्रांड की खरीद लीजिए, क्योंकि हम जितना भी कर रहे हो ना चेहरे के लिए, अपने के लिए कर रहे हो, तो इसलिए अच्छा ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी खरीदने से ना रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। क्योंकि ऐसे तो मार्केट में थोड़ा फेक पाउडर्स भी हैं, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी और कुछ ना कुछ मिलावट रहता है, तो आप अच्छा ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी लेने से ना विजिबल डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह दिखेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अच्छा वाला थोड़ा कॉस्टली वाला मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में भी काफ़ी सारे ब्रांड्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इसलिए अच्छा ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी लीजिए। अभी दो पाउडर्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें कच्चा दूध ऐड करके फाइन पेज जैसा बना लेना चाहिए। हमें कच्चा दूध ऐड करके फाइन पेज जैसा मिक्स करना चाहिए। आप इसको जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा पैक बन जाएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करने से ना, और मुल्तानी मिट्टी और ये रोज़ पेटल पाउडर अच्छे से नहीं मिलने की वजह से, फिर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। इसलिए आपको अच्छा मार्केट वाला फेस पैक जैसा इफेक्ट चाहिए, तो आप इसको अच्छी तरह मिलाना है, क्योंकि आप जितना अच्छा मिलाओगे उतना अच्छा इफेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हो ये बन गया है ये पैक। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं अभी आपको बताऊँगी। अभी इस पैक को साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप चेहरे के ऊपर मेकअप अप्लाई किए तो चेहरे को अच्छे से मेकअप रिमूव करके नॉर्म फेस वॉश यानी कि साबुन से चेहरे को अच्छे से धो ले। इसके बाद चेहरे को वॉश करने के बाद इस पैक को ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। आंखों के नीचे छोड़ के ऑल ओवर फेस और गले के ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आंखों के नीचे अंडर आई एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है, तो इसलिए उस एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। और इसमें मैंने कच्चा दूध ऐड कर चुकी हूँ ना, ये दूध अपने चेहरे को ग्लो कर देती है और स्किन को मॉइस्चराइज करती है। अगर आपको स्किन मॉइस्चराइज करती है, ग्लोइंग और निकार लाता है चेहरे के ऊपर कच्चा दूध इस्तेमाल करने से। सर्दी गर्मी का मौसम में ना हर किसी के चेहरे पे टैन डस्ट आ जाती है, टैनिंग तो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप टैनिंग से छुटकारा पाना है तो कच्चा दूध को चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करने से ना टैन डस्ट रिमूव होगा और चेहरा भी ग्लोइंग और निखार आता है। इसलिए मैं कच्चा दूध ये पैक में कच्चा दूध ऐड करके मिक्स कर चुकी हूँ और रोज़ पेटल पाउडर इसलिए यूज़ कर चुकी हूँ। ये अपने चेहरे को नेचुरली टोनिंग करता है, चेहरे पे ऊपर धूल मिट्टी डस्ट को रिमूव करके पोर्स को रिमूव कर देती है। अगर आपको चेहरे के ऊपर पोर्स का प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, तो रोज़ पेटल पाउडर की वजह से ना ओपन पोर्स रिमूव होंगे, चेहरा भी क्लीन और साफ रहेगा। और ये चेहरे को भी रिपेयर करता है, स्किन को रिपेयर करता है। ये चेहरे के ऊपर नहीं, ऑल ओवर फेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए, ये ड्राई होने तक छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। याद रखिए, दोबारा फेस वॉश साबुन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पहले ही चेहरे को हम फेस वॉश से वॉश करने के बाद ही ये अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ना दोबारा फिर फेस वॉश साबुन यूज़ मत कीजिए। ये पैक को ना हफ्ते में दो बार कीजिए, विजिबल डिफरेंस दिखेगा। अगर आपको हर रोज़ करना है फिर भी अच्छा है, इससे और अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। जिसको भी उतना टाइम नहीं रहेगा हर रोज़ करने का, तो वो लोग हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। सो ये है आज की मेरी फुल बॉडी वाइटनिंग पैक। अगर आप लोगों को इस रेमेडी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कॉमेंट करना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स है, उसमें कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।